चलिए ये स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी होता क्या है इसमें वन पार्टी प्रोमिस टू सेव अनदर एक पार्टी प्रोमिस करती है कि वो दूसरी पार्टी को सेव करेगी बचाएगी किससे बचाएगी फ्रॉम लॉस कॉज्ड टू हिम जो भी अगर उसको लॉस होता है उससे किसकी वजह से लॉस होता है या तो प्रोमिजर की वजह से या कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन लेटेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल सपोज ए ने प्रमिस किया बी को क्या प्रोमिस किया प्रोमिस टू कंपनसेट इफ सी टेक्स लीगल एक्शन अगेंस्ट एडवांस ग्रांटेड बाय सी टू बी ए ने बी को बोला कि अगर सी ने कोई भी लीगल एक्शन लिया अगेंस्ट द एडवांसे ग्रांटेड बाय सी टू बी सी ने जो भी एडवांस दे रखा है बी को उसको रिकवर करने के लिए अगर कोई लीगल एक्शन लिया तो ए जो है उस केस में बी को हेल्प करेगा कंपनसेट करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है क्यों क्योंकि यहां पर जो ए है दैट इज द वन पार्टी प्रॉमिस कर रही है टू सेव अदर अदर कौन है यहां पे बी फ्रॉम लॉस कॉस्ट टू हिम बाय या तो की वजह से या कंडक्ट ऑफ अदर पर्सन तो यहां अदर पर्सन है कौन सी समझ पाई बात जो व्यक्ति प्रॉमिस करता है उसको बोला जाता है इंडेमनीफायर जैसे यहां पर ए ने प्रॉमिस किया तो ही विल बी कॉल्ड एज इंडेमनीफायर और जिसको प्रॉमिस किया जाता है उसको बोला जाता है इंडेमनीफाइड या इंडेमिटी होल्डर जो इस केस के अंदर बी है समझ तो में बात करूं तो वन पार्टी वन पार्टी जो है वो इंडेमनीफायर है अदर कौन है इंडेम्निटी होल्डर फ्रॉम लॉस कॉस्ट टू हिम अच्छा टू सेव का मतलब भी अगर मैं बोलूं तो होता है टू इंडेम्निफाई अगर आप इसे टेक्निकल लैंग्वेज में देखना चाहते हैं सो so, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इन दिस कॉन्ट्रैक्ट इंडेम्निफायर प्रोमिस टू इंडेमनीफाई इंडेमनिटी होल्डर फ्रॉम लॉस कॉस्ट टू हिम बाय प्रॉमिसर हिमसेल्फ और कंडक्ट ऑफ अदर पर्सन समझ में आई बात ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्लियर अच्छा अब वो अदर पर्सन जो है वो जरूरी नहीं है कि प्रोमिजर उसको जानता ही हो लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज एक्स ने अप्लाई किया फॉर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट टू द कंपनी एक्स ने बोला कि मेरा शेयर सर्टिफिकेट खो गया है आप मुझे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दे दीजिए अब कंपनी ने एक्स से एक एफिडेविट साइन करवा लिया कॉन्ट्रेक्ट साइन करवा लिया क्या ठीक है हम मानते हैं कि आपका सर्टिफिकेट खो गया है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट आपको देते हैं लेकिन कल दिन अगर कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आ जाता है और वो अपने आप को क्लेम करता है कि मैं मिस्टर एक्स हूं और उसकी वजह से कंपनी को कोई नुकसान होता है तो फिर उस केस में आप जो है कंपनी को कंपनसेट करोगे कंपनी ने क्या बोला आस्क एक्स टू कंपनसेट फॉर द लॉस द कंपनी मे सफर है नहीं? हो सकता है केस ओरिजिनल सर्टिफिकेट इज प्रोड्यूस्ड बाय तो यहां पर कंपनी ने एक्स से ये गारंटी या सिंपल वर्ड्स में कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया तो so, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी है वाइसो so, क्योंकि कंपनी विल बी कंपनसेटेड बाय द एक्स अब यहां पर वो व्यक्ति कौन हो सकता है अदर पर्सन जरूरी नहीं है एक्सो से जानता हो इसीलिए मैंने लिखा है कंडक्ट ऑफ अदर पर्सन तो अदर पर्सन जो है वो जरूरी नहीं है कि जो आपका इंडेम्निफायर है उसको जानता ही हो देखिए अदर पर्सन मे बी नोन और अनोन एट द टाइम ऑफ एंट्रिंग इन टू कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट होम हुफायर हैज प्रोमिस्ड टू कंपनसेट इंडेम्निटी होल्डर समझ में आई बात इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या अदर पर्सन को जो इंडेम्निफायर है वो जानता हो ये जरूरी है ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है समझ में ही बात इसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कंपनसेट फ्रॉम लॉस शुड बी लॉफुल अब ये क्या है इसके लिए आप ये वाला एग्जाम्पल पढ़िए ए आस्क बी टू बीट सी प्रोमिजिंग टू इंडेम्निफाई हिम अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ए ने बोला बी को कि तू जाके सी को पीट और जो होगा मैं देख लूंगा द प्रोमिस ऑफ ए कैन नॉट बी इनफोर्स्ड वाई सो सपोज बी बीट सी एंड इज फाइन रुपीज वन थाउजेंड और बी पे एक हजार रुपए का फाइन लगता है बी कैन नॉट क्लेम द अमाउंट फ्राम ये बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज अनलॉफुल तो मेन कॉन्ट्रैक्ट की तो सारी बातें ऑब्वियसली पूरी होनी चाहिए तो so आप जितना मैंने लिखा है सिर्फ उतना नोट डाउन कर लीजिए और कुछ नहीं करना और उसके अलावा ये वाला जो एग्जाम्पल है ये आप कर लीजिए और ये आपका इतना पार्ट पूरा का पूरा कम्प्लीट होता है कि इंडेमिटी क्या है

चलिए राइट्स ऑफ इंडेम्निटी होल्डर वेन्स यू बड़े ध्यान से देखिए तीन चीजें हैं डैमेजेस कॉस्ट ऑल सम वट एग्जैक्टली इट इज सपोज इंडेम्निटी होल्डर पे किसी ने केस कर दिया अब इंडेम्निटी होल्डर पे अगर किसी ने केस कर दिया और उसकी वजह से कोई भी उसे डैमेजेस पे करने पड़ते हैं तो वो डैमेजेस जो है वो इंडेमनी फायर से जो है रिकवर कर सकता है अब बड़े ध्यान से समझिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको जैसे यही था यहाँ पर कंपनी है अब कंपनी के पास कल दिन सपोज़ एक मिस्टर वाई आते हैं वो कहते हैं कि आपने जो एक्स को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया वो गलत है वो कायदे से मेरा सर्टिफिकेट था और उसने आपसे गलत तरीके से डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करवाया और वो कंपनी पे केस कर देते हैं मिस्टर वाई तो उस केस के अंदर कंपनी जो है वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में एंटर कर चुकी है मिस्टर एक्स के साथ तो कंपनी को अगर कोई भी डैमेजेस पे करने पड़ते हैं मिस्टर वाई को तो वो मिस्टर एक्स से रिकवर कर सकती है समझ में आई बात अब देखिए ऑल डैमेजेस लिखा हुआ है आपको इसे लिख के कैसे आना एग्जाम में all damages which the indemnity holder is liable to pay against which indemnifier promised to indemnify देखो मेन कीवर्ड आपने ध्यान रखना है अब आगे देखो लाइन अपने आप बनाई है which the indemnity holder is liable to pay आप इसको और सिंपल कर सकते हो इज लायबल टू पे अगर आप इसे और सिंपल करना चाहो कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम इंडेमनीफायर ये लो और आसान हो गया तो देखिए मैं आपको सिर्फ यहाँ डैमेजेस बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप डैमेजेस लिख के आ जाएंगे सेंटेंस पूरा बना के आना है लॉ का समझ में आई मत उसके बाद जो भी कॉस्ट आती है सपोज एक तो डैमेजेस हो गए सपोज कंपनी ने लॉयर हायर किया लीगल फीस पे करनी पड़ी कंपनी को तो वो जो भी कॉस्ट आती है दैट कैन आल्सो बी रिकवर्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स सो ऑल लीगल कॉस्ट विच द इंडेमिनिटी होल्डर पे टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम इंडेम्निफायर ठीक है अब इसके अलावा अगर कोई सम पे करना पड़ा देखिए डेमेज में बहुत डिफरेंस होता है जो आपने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था यहाँ पर ए कि ने किया बी को टू कम्पनसेट इफ सी टेक्स लीगल एक्शन पांच हजार रूपए बी से लेने थे और उसके लिए लीगल एक्शन लिया और उसके अंदर सी ने बी से जो है सात हजार रुपए क्लेम किए एक तो पांच हजार रुपए जो उसने ओरिजिनली लेने थे प्लस दो हजार रुपए डेमेजेस क्योंकि उसका जो वक्त बर्बाद हुआ उसके लिए तो जो डैमेजेस वाला पॉइंट है वो तो आपका यहां से कवर अप हो गया बट जो ओरिजिनल अमाउंट रिकवर करना था वो ये ऑल सम विच ही मे पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज तो इसको आप ऐसे लिख देंगे ऑल सम्स विच द इंडेमिनिटी होल्डर पेड अंडर एग्रीमेंट अगेंस्ट विच इंडेम्निफायर प्रोमिस्ड टू कंपनसेट तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है डैमेजेस कॉस्ट ऑल सम विच द इंडेमिनिटी होल्डर पेड अंडर एग्रीमेंट अगेंस्ट विच इंडेमनीफायर प्रोमिस टू compensate समझ में आई बात सिंपल सी वर्ड्स में ये तीन पॉइंट इस तरीके से आप लिख लीजिए और इसमें हाईलाइट कर दीजिए डैमेजेस को लीगल कॉस्ट को और को समझ में आया चलिए बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की क्या होता है सपोज ए ने लोन लिया बी से अब ए ने लोन लिया बी से और सी ने गारंटी दी ए की अगर ए लोन वापस नहीं करता है तो सी विल रीपे द अमाउंट टू बी गारंटी टू बी फॉर लोन टेकन बाय ए किसने दी सी ने किसको बी को ठीक है तो इस केस के अंदर सी जिसने गारंटी दी है उसको हम बोलते हैं श्योरिटी और जिसको गारंटी दी गई है दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिटर और जिसको फायदा मिला है दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल डेटर तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज होती हैं श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर जिसके अगेंस्ट गारंटी दी गई है क्रेडिटर जिसको गारंटी दी गई है श्योरिटी जिसने गारंटी दी है ठीक है इसको आप एक बार जो है सारा का सारा नोट डाउन करिए फास्ट ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एग्जाम्पल वन टू थ्री आप इसे एक बार रीड कर सकते हैं ठीक है नाउ इश्यू अराइजेस कि सी ने बी को गारंटी दी अब सी ने अगर बी को गारंटी दी तो देखिए फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी ए कंसिडरेशन सो व्हाट इज द कंसिडरेशन फॉर सी हेयर सी गारंटी दे रहा है बी को तो उसके बदले में सी को क्या मिल रहा है वट इज द कंसिडरेशन फॉर सी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्रेडिटर एंड श्योरिटी वॉट इज द कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी दैट इज सी तो देखो सी के कहने पर ही बी ने लोन दिया ए को क्या अगर सी गारंटी ना देता तो क्या एक को लोन मिल जाता ऑब्वियसली द आंसर इज नो क्योंकि सी ने गारंटी दी बी को इसलिए बी ने ए को लोन दिया लॉ मेक्स इट वेरी क्लियर दैट लोन प्रोवाइडेड बाय क्रेडिटर टू प्रिंसिपल टेटर दट इज ए लोन प्रोवाइडेड बाय बी टू ए अगेंस्ट द गारंटी ऑफ श्योरिटी दैट इज दी इज सफिशियंट कंसिडरेशन फॉर गिविंग द गारंटी मतलब लॉ ने यह बोला कि श्योरिटी के कहने पर ही उसके गारंटी देने पर ही ए को लोन मिला और क्योंकि उसके कहने पर ही उसकी जुबान की इतनी वैल्यू है देखो उसकी गारंटी की इतनी वैल्यू है कि ए को लोन मिल गया प्रिंसिपल डेटर को लोन मिल गया सो so, लॉ ने कहा कि इट्स अ सफिशियंट कंसिडरेशन फॉर गिविंग द गारंटी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी इन द कॉन्टेक्ट ऑफ गारंटी तो आपको लिखना है कि दैट लोन प्रोवाइडेड बाय क्रेडिटर टू प्रिंसिपल डेटर अगेंस्ट द गारंटी ऑफ इज सफिशियंट कंसिडरेशन फॉर गिविंग द गारंटी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वट इज द कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी समझ में आई बात तो इसको एक बार जो है आप नोट डाउन कर लीजिए और जो एग्जाम्पल्स हैं उसको आप एक बार रीड कर लीजिए समझ में आई बात चलिए बात करते हैं नेचर ऑफ श्योरिटी लैबिलिटी जो श्योरिटी की लैबिलिटी है उसका नेचर क्या है तो सबसे पहले इट इज को एक्सटेंसिव विद ऑफ प्रिंसिपल डेटर मींस दैट द श्योरिटी इज लायबल टू पे फॉर व्हाट द प्रिंसिपल डेटर इज लेट अस टेक द वेरी सिंपल एग्जांपल सपोज ए ने एक बिल एक्सेप्ट किया हुआ है बी का बिल ऑफ एक्सचेंज और ए जो है डिफॉल्ट कर देता है बिल ऑफ एक्सचेंज था पांच का तो बी क्या करता है नोटिंग चार्जेस पे करता है उस पर सौ रुपए प्लस बिल है पांच हजार का टोटल कितने हो गए फिफ्टी वन हंड्रेड तो हेयर बी कैन रिकवर फ्रॉम सी दैट इज द श्योरिटी हाउ मच अमाउंट फिफ्टी वन हंड्रेड क्यों क्योंकि बी ए से जितना रिकवर करने के लिए इंटाइटल है सेम अमाउंट ही कैन रिकवर फ्रॉम श्योरिटी coextensive with that of principal debtor means that the surety is liable for what principal debtor is liable. समझ में बात? Show. Sure. Coextensive मतलब यहाँ पे क्या है? Same as. इसके बाद second point. As soon as principal debtor defaults, the liability of the surety begins. जैसे ही principal debtor default करता है, surety की liability arise हो जाती है. Surety ये नहीं कह सकता क्रेडिटर को कि पहले आप ए पे केस करो उससे रिकवर करने की कोशिश करो अगर वो नहीं देता है तो मेरे पास आना ऐसा नहीं एज सुन द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी देखिए जितना मैंने आपको हाईलाइट करके दिया है सिर्फ उतना करना है थर्ड पॉइंट डेटर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी ऑल्सो सीजेस इन द सेंस सपोज एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं ए और बी सी सी ने ए की गारंटी दी हुई थी बी को दस हजार रुपए की बट कुछ डॉक्यूमेंट्स में डिफेक्ट निकलता है जिसकी वजह से ये प्रूफ हो जाता है कि ए ने कभी बी से एडवांस लिया ही नहीं था कुछ डॉक्यूमेंट्स में डिफेक्ट है साइन मिसमैच करते हैं एग्रीमेंट ठीक नहीं है कुछ भी तो अगर ए जो है वो फ्री हो गया िकॉज ऑफ डिफेक्ट इन डॉक्यूमेंट तो सी बी बाई डिफॉल्टो है फ्री हो जाता है डेटर कैन नॉट बी हेड लाइबलेंट डॉक्यूमेंट मतलब खत्म हो जाएगी फोर्थ द्रेटर में चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट अटी फर्स्ट अनलेस देर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी मतलब सपोज ए ने डिफॉल्ट किया मैंने अभी आपको यह बात बताई है ए ने डिफॉल्ट किया तो बी ने क्या किया श्योरिटी को अप्रोच किया और सीधे सी पे ही लीगल केस कर दिया फॉर द रिकवरी ऑफ मनी तो हेयर सी कैन नॉट टेक द प्ली कि पहले आप ए पे केस करो फिर मेरे पे केस करना नो क्रेडिटर में चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट अटी फर्स्ट हाँ अगर कुछ एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी फर्स्टली क्रेडिटर विल स्टार्ट द लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ए एंड इफ लीगल प्रोसीडिंग्स आर नॉट सक्सेसफुल ओनली देन ही कैन अप्रोच दी तो बात अलग है अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ अदरवाइज लॉ तो ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया तो क्रेडिटर पे सीधा राइट right है कि वो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है श्योरिटी में तो ये चार पॉइंट जो आपको मार्क भी कर दे रहा हूं इतने इतने आप नोट डाउन कर लीजिए और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट व्हाट आर द द नेचर नेचर ऑफ ध्यान रखनी है कि जो कंसेंट है श्योरिटी की इट शुड नॉट बी ऑप्टेन बाय वे ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन और मटेरियल फैक्ट इट कैन बी और रिटर्न किसी मिसरिप्रेजेंटेशन से या कोई चीज छुपा करके हमने गलत तरीके से श्योरिटी से कंसेंट ना ली हो ओरल भी हो सकती है रिटर्न भी हो सकती है गारंटी और थर्ड पॉइंट जो भी आपने ऑलरेडी पढ़ा क्रेटर कैन स्टार्ट प्रोसीडिंग्स डायरेक्टली अगेंस्ट श्योरिटी विदाउट प्रोसीडिंग अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर फर्स्ट तो बहुत सिंपल चीजें हैं इसके बाद डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी गारंटी में एग्जाम में फाइव टू सिक्स मार्क्स का आ जाता है और ये मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप खुद करें क्योंकि आपको दोनों के बारे में चीजें पता लग चुकी हैं कि इंडेमिनिटी क्या है और गारंटी क्या है ठीक है इसके बाद देर इज अ टर्म कंटिन्यूइंग गारंटी कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है विच एक्सटेंड्स फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस यही आपको ध्यान रखना है सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन जैसे बड़े ध्यान से देखिए एक छोटे से एग्जाम्पल से उसने समझाया ए इन कंसिडरेशन दैट बी विल एम्प्लॉय सी बी जो है सी को जॉब देगा ठीक है मतलब बी जो है वो एक तरह से जॉब देगा किसको सी को इन कलेक्टिंग द रेंट ऑफ बीस जमींदारी प्रोमिस बी टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द अमाउंट ऑफ फाइव थाउजेंड रुपीज और ए ने गारंटी दी किसको बी को कितने रुपए की पांच हजार रुपए की कि सी अगर कोई घपला करता है तो पांच हजार रुपए तक की मेरी जिम्मेदारी है फॉर ड्यू कलेक्शन एंड पेमेंट बाय सी ऑफ दोस रेंट्स तो दिस इज़ अ केस ऑफ कंटिन्यू गारंटी देखो ए ने बी को क्या बोला कि मैं आपको पांच हजार की गारंटी देता हूं आप सी को जॉब दे दो रेंट कलेक्ट करने की सी से कोई भी गड़बड़ी होती है वो नहीं कर पाता या कुछ भी होता है तो पांच हजार रुपए तक की मैं गारंटी आपको देता हूँ तो सी बार बार जाएगा रेंट कलेक्ट करेगा नंबर ऑफ लोगों से हर महीने करेगा और ए की जो गारंटी है वो बनी रहेगी लेकिन कहां तक लिमिट रहेगी सिर्फ और सिर्फ पांच हजार रुपए तो कॉन्टिन्यूंग गारंटी होता है फॉर अ सीरीज ऑफ जो एक लंबे समय तक चलती है समझ में आई बा फटाफट नोट करी फास्ट डिस्चार्ज ऑफ ए श्योरिटी कब श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है तो तीन केसेस हैं आइए के डिस्कस करते हैं सबसे पहले रिवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी व्हाट इज दिस रिवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बड़े ध्यान से इस चीज को समझिएगा। सपोज मिस्टर सी ने ए की गारंटी दे रखी थी टू बी बी यहां पे क्रेडिटर है और ए जो है वो श्योरिटी उसने गारंटी दे रखी थी सी ने कि आप ए को माल सप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं है अगर ए डिफॉल्ट करता है तो आई विल पे ठीक है उसने बोला था कुछ सप्लाई करो अब सी ने क्या किया नोटिस दे दिया नोटिस दिया ऑन फर्स्ट अगस्त कि फ्रॉम टुडे नाउ ऑनवर्ड्स आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट्स टू बी कलेक्टेड बाय बी फ्रॉम ए बड़े ध्यान से देखिएगा अब सी ने तो नोटिस दे दिया एक अगस्त को कि मैं अब ए की गारंटी नहीं ले सकता लेकिन दिस विल बी फॉर ओनली फ्यूचर ट्रांसेक्शन इन द सेंस कि सपोज बी ने ए को गुड सप्लाई किए थे कुछ ऑन फिफ्टीन ऑफ जुलाई ऑफ रुपीज वन लाख फिर पांच अगस्त को सप्लाई किए ऑफ फिफ्टी थाउजेंड तो इस एक लाख रुपए के लिए जो है सी विल रिमेन लाइबल क्योंकि नोटिस उसने एक अगस्त को दिया है और जो नोटिस दिया होता है फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए होता है नॉट फॉर द ट्रांजेक्शन दैट हैव बीन ऑलरेडी एंटर्ड है पांच अगस्त को वो जो पचास हजार रुपए के गुड्स सप्लाई किए हैं बी ने ए को उसके लिए सी रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्यों क्योंकि उसने एक अगस्त को नोटिस दे दिया था तो मे एट एनी टाइम बी रिवोक्ट बाय द श्योरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शंस बट नॉट फॉर द ट्रांजेक्शंस ऑलरेडी एंटर्ड इन टू समझ में आई बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है एग्जाम्पल इग्नोर करिए ये नोट करिएगा ठीक है इसके बाद रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ बड़े ध्यान से समझिए श्योरिटी की अगर डेथ हो जाती है तो फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ जो है गारंटी रिवोक हो जाती है क्यों क्योंकि श्योरिटी की डेथ हो गई इवन इफ क्रेडिटर हैड नो नॉलेज ऑफ श्योरिटीज डेथ अगर श्योरिटी की डेथ की नॉलेज क्रेडिटर को नहीं भी है

जो श्योरिटी की स्टेट है प्रॉपर्टी है उससे 15 जुलाई वाला अमाउंट तो रिकवर किया जा सकता है लेकिन 5 अगस्त को जो ट्रांजैक्शन हुई है बी और ए के बीच में वो रिकवर नहीं किया जा सकता चाहे क्रेडिटर को श्योरिटी की डेथ की नॉलेज है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो देखिए जितना आपको बताया जा रहा है इसमें आप ये नोट डाउन करेंगे फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन फ्रॉम डेट ऑफ डेथ इवन इफ क्रेडिटर हैड नो नॉलेज ऑफ श्योर्टिस्ट डेथ और यहाँ से लेके यहां तक नोट डाउन करेंगे समझ में आई बन शेव सिर्फ इतना आपको नोट डाउन करना है